चिट्टे के नशे को लेकर आक्रोश रैली निकाली गई। अरुण पारे के नेतृत्व में रैली का आयोजन हुआ। इसके बाद सभी ने रायसिंह नगर के बाहर प्रदर्शन किया और बाद में SHO को नशे को रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा। अरुण पारेख ने बताया कि इलाके में चिट्टा सरेआम बेचा जा रहा है, जो युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहा है। इसकी सबसे ज्यादा सप्लाई सीमा पार पाकिस्तान से की जा रही है। चिट्टे पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। नौजवानों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोक लगाओ, रोक लगाओ। पचास साल होश में आओ, होश में आओ। हनुमान मंदिर तरह नुक्कड़ पर चौकी है, चौकी तरह चौकी बनी पहला दुनिया जानना नशेड़ी है। रायसिंह नगर में बॉर्डर पार से नशा तस्करी में पकड़े 3 आरोपियों से SP परेश देशमुख द्वारा गहनता से पूछताछ की गई। इस दौरान तीनों तस्करों ने खुलासा करते हुए कहा कि उनको पाकिस्तान से शराब और अवैध हथियारों की खेप भेजी जाती थी। इसकी सप्लाई को लेकर उनको लाखों रुपए मिलते थे। बता दें कि पुलिस ने हाल ही में अवैध शराब और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में रायसिंह नगर एरिया में निवासरत कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ में क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की कई बातें सामने आई हैं, जिस पर हम सभी लोग मिलकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पंजाब पुलिस के साथ CID जोन के साथ लगातार समन्वय है और हम लगातार डिटेल्ड इंट्रोगेशन कर रहे हैं। जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।